नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील रजवानी और आप देख रहे हैं उल्लास रियल टाइम्स। थाने पुलिस आयुक्त जयजीत सिंह ने मटका और जुआ के अड्डों पर तो अंकुश लगा दिया है, पर शहर में गुटखा के कारोबारी अभी भी पनप रहे हैं। यानी कि उल्लासनगर शहर में गुटखा और नशीले पदार्थों का कारोबार फल फूल रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने गुटखा और नशीले पदार्थों पर कई सालों से बैन लगाई हुई है। गुटखा राज्य सीमा के पार गुजरात से सुबह तड़के जल्दी शहर में पहुंच जाता है। सूत्रों की माने तो इस गुटखा कारोबार में आंटी गुटखे वाली, जो कि 25 सेक्शन के नवजीवन बैंक के पीछे रहती है, यह आंटी अपने घर से ही बैरक नंबर 1693 के समीप से ही यह कारोबार संभालती है और अपने घर में गुटखा इस तरह से सजा के रखती है कि जैसे कोई मोबाइल का शोरूम हो। बिना रोक टोक, बिना किसी पुलिस के डर के यह इस कारोबार को इस महिला और उसके सहयोगी कालू के ऊपर कई बार पुलिस की कार्रवाई और FDI थाना द्वारा कार्रवाई भी की गई है, पर अब आसानी से धन कमाने की लालच में ये महिला और उसका साथी कालू इस कारोबार में इस तरह लुप्त हो गए हैं कि उन्होंने ये आदमी चोली का खेल मिल लगाए। पर इस खेल के दौरान यह महिला शायद यह भूल गई है कि जल्दी धनवान बनने की लालच में वह नवयुवकों को इस नशे की लत लगा रही है और उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। ऐसे ही अनिल किराना एंड जनरल स्टोर स्वामी शादे प्रकाश स्कूल के बगल में इस कारोबार में लिप्त है और गायकवाड़ पर हनुमान मंदिर के बगल में दीपक केले वाला भी इस कारोबार से शुदा नहीं है। देखने में तो ये फ्रूट केले की दुकान है और किराना जनरल स्टोर है, पर यहाँ पर गुटखा, भांग के गोले व अन्य नशीले पदार्थ आसानी से मिल जाते हैं। ऐसे और भी छोटे मोटे कई लोग हैं जो सुबह जल्दी उठ के अपने दोपहिया वाहन पर गुटखा और अन्य नशीले पदार्थों की डिलीवरी गली गली, पान टपड़ियों और छोटे मोटे जनरल स्टोर पर करते हैं। इसमें बाटा चौक के अशोक और संजू का नाम भी समावेश है। यानी कि ये कारोबार पूरी तरह फैल चुका है और ज़्यादा पैसा कमाने की लालच में यह गुटखा माफिया हुक्का पार्लर में इस्तेमाल होने वाले अलग अलग फ्लेवर्स भी करते हैं जो कि बैन है। ऐसा ही चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं कि ज़्यादा पैसा कमाने की लालच में ये लोग ड्रग्स भी सप्लाई करना चालू कर देंगे। इसलिए मेरी थाना पुलिस आयुक्त जयजीत सिंह से यह अपील है कि वे इस ओर ध्यान दें। जिस तरह उनकी टीम ने भिवंडी में करोड़ों का हुक्का पार्लर के फ्लेवर्स जब्त किए थे और विठलवाड़ी स्थित विदेशी सिगरेट के गोडाउन में छापेमारी करके लाखों रुपए के विदेशी सिगरेट बरामद किए थे, उसी तरह उल्लासनगर में भी इस गुटखा कारोबार पर अंकुश लगाएं। धन्यवाद। ऐसे ही जानकारियों के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।